नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अहम आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट की पीठ ने सरकार को जल्द नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर फरवरी 2020 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 साल से नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिनको जल्दी कराने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आज आदेश दिया है। हाईकोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सरकार जल्द से जल्द नगरीय निकाय चुनाव के चुनाव कराए। निकाय चुनाव में हो रही लेट लतीफी को लेकर अलग अलग याचिकाएं चल रही थी, इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अविलंब चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है। जस्टिस सुजाय पोल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने यह आदेश दिया है। इसमें राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था। मध्य प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में 1 साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यालय चल रहा है। पहले कमलनाथ सरकार ने चुनाव की तारीख बढ़ाई और बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। कोरोना के चलते 3 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। कोरोना के चलते 6 महीने चुनाव टालने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। तो ये थे हमारे इस वक्त की अपडेट, और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।